डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 2 एडजेक्टिव्स रीड करेंगे और इसकी एक्सरसाइज ए सॉल्व करेंगे। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट ए नाउन। एक एडजेक्टिव एक वर्ड है जो हमें नाउन के बारे में कुछ बताता है। That is about a person, an animal, a thing or a place. यह एक व्यक्ति, पशु, वस्तु या स्थान के बारे में बताता है। An adjective can take an adverb of degree like very or too. एक adjective एक adverb की degree ले सकता है जैसे very या too. एन एडजेक्टिव हैज कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। एक एडजेक्टिव की एक कंपेरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म होती हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स के प्रकार। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स के विभिन्न प्रकार हैं। दीज आर, ये हैं। Adjective of quality, an adjective which tells us about the quality of a noun. यह adjective noun की quality के बारे में बताता है। For example, naughty boy, hardworking man, high building, etc. These adjectives आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ। ये एडजेक्टिव पर्सन का उत्तर देते हैं व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का। लुक एट द सेंटेंसेज, सेंटेंसेज पर देखो। ही इज ए नाइस बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। न्यूयॉर्क इज ए ब्यूटीफुल सिटी, न्यूयॉर्क एक सुंदर शहर है। इट इज ए हैवी बॉक्स, यह एक भारी बॉक्स है। एडजेक्टिव ऑफ ए क्वांटिटी, क्वांटिटी होती है मात्रा। एन एडजेक्टिव विच टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ ए नाउन। एक एडजेक्टिव जो हमें नाउन की मात्रा के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सम मिल्क, ऑल वेल्थ, इनफ मिल्क, होल एप्पल, एटसेट्रा। दीज एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। ये एडजेक्टिव पर्सन का उत्तर देते हैं कितना। लुक एट द सेंटेंसेज, सेंटेंसेज पर देखो। द कैट ड्रैंक सम मिल्क, बिल्ली ने कुछ दूध पिया। The miser lost all wealth, कंजूस ने सारा धन खो दिया। There is enough milk in the glass, ग्लास में पर्याप्त दूध है। लीला has eaten the whole apple, लीला ने सारा सेब खा लिया। It makes no sense, इसका कोई मतलब नहीं है। Adjective of number, एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज आल्सो नोन एज ए नंबरल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को नंबरल एडजेक्टिव के रूप में भी जाना जाता है। इट इंडिकेट्स हाउ मैनी पर्सन और थिंग्स आर मीन्ट, यह कितने व्यक्ति या वस्तु हैं की तरफ इशारा करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैनी, फ्यू, टू, फोर्थ, एटसेट्रा। मैनी मीन्स कई, फ्यू कुछ, टू दो, फोर्थ चौथा, एटसेट्रा। लुक एट द सेंटेंसेज, सेंटेंसेज पर देखो। देयर आर मैनी एप्पल्स इन दिस बास्केट, इस टोकरी में कई सेब हैं या बहुत से सेब हैं। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, क्लासरूम में बहुत थोड़े विद्यार्थी हैं। All of us have two legs, हम सभी की दो टांगे हैं। My daughter studies in fourth class,
मेरी बेटी चौथी कक्षा में पढ़ती है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव दैट पॉइंट्स टू ए पर्टिकुलर नाउन, एक एडजेक्टिव जो विशेष नाउन की तरफ इशारा करता है, पर्सन थिंग और प्लेस, व्यक्ति वस्तु या स्थान की ओर। फॉर एग्जाम्पल दिस बॉय, दैट चेयर, दीज बुक्स, दोज हाउसेज एटसेट्रा। लुक एट द सेंटेंसेज, ए दिस अपार्टमेंट नीड्स टू बी पेंटेड, अपार्टमेंट फ्लैट को बोलते हैं, ये एक प्रकार का घर होता है। इस अपार्टमेंट को पेंट की आवश्यकता है, सेकंड को हमने रीड नहीं करना, ये इस का एग्जांपल नहीं है। सी आई एम कीपिंग दीज पेंसिल्स, मैं ये पेंसिल रख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग दोज बुक्स, मैं उन पुस्तकों को देख रहा हूँ। नेक्स्ट पोसेसिव एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव विच टेल्स अस अबाउट द ओनरशिप ऑफ ए नाउन, एक एडजेक्टिव जो हमें नाउन की ओनरशिप के बारे में बताता, ओनरशिप मालिकाना हक। फॉर एग्जाम्पल माई ड्रेस, योर बैग, हिज कार, हर पिन, देयर चिल्ड्रन एटसेट्रा। लुक एट द सेंटेंसेज, सेंटेंसेज पर देखो। यू आर माई स्टूडेंट, तुम मेरे विद्यार्थी हो। योर कैप इज ऑन द टेबल, तुम्हारी कैप मेज पर है। हर ब्रदर इज वेरी रिच, उसका भाई बहुत अमीर है। देयर क्लॉथ्स आर वेरी गॉडी, उसके कपड़े बहुत भड़कीले हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव विच पोसेस क्वेश्चन इन एन इंटरोगेटिव मैनर, एक एडजेक्टिव जो पर्सनवाचक तरीके से पर्सन पूछता है। फॉर एग्जाम्पल हुज हाउस, किसका घर, विच शॉप, किसकी दुकान एटसेट्रा। लुक एट द सेंटेंसेज, सेंटेंसेज पर देखो। विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट, तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सा गेम पसंद करते हो। वाट बुक्स हैव बीन परचेज्ड, कौन सी किताबें खरीदी हैं। हुज कैमरा इज दिस, यह किसका कैमरा है। एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव दैट इज यूज टू एम्फेसाइज ए नाउन। लुक एट द सेंटेंसेज, दिस इज माई ओवन बंगलो, यह मेरा अपना बंगला है। माई वेरी फ्रेंड ओपोज्ड मी, मेरे अपने या मेरे पक्के मित्र ने मेरा विरोध किया। दैट इज द बॉय हु वॉन द प्राइज, वह लड़का है जिसने इनाम जीता। चेक योर स्किल्स, जो अभी हमने ऊपर रीड किया है इससे रिलेटेड एक्सरसाइज दी गई है स्टूडेंट्स, अब हमने चेक करना है कि हमने कितना सीखा। अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड स्टेट व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स दे आर, जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं इनमें हमने एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है और सामने जो ब्लैंक स्पेस दिया गया है इसमें लिखना है कि ये कौन सी प्रकार का एडजेक्टिव है। फर्स्ट इज दिस योर पेंसिल, क्या यह तुम्हारी पेंसिल है। इसमें दिस जो वर्ड आया है ये एडजेक्टिव है और ये किस प्रकार का है, डिमॉन्स्ट्रेटिव। दिस के नीचे अंडरलाइन करना है और डिमॉन्स्ट्रेटिव सामने जो ब्लैंक स्पेस दिया उसमें लिखना है। ही इज ए हैप्पी मैन, वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। इसमें हैप्पी एडजेक्टिव है और काइंड ऑफ एडजेक्टिव क्वालिटी। सी इज द फर्स्ट वोमेन आईपीएस ऑफिसर, वह पहली आईपीएस ऑफिसर महिला है। अब इसमें जो एडजेक्टिव है वो फर्स्ट
और इसका काइंड क्या है, नंबर। नेक्स्ट, सेवन बॉयज वेंट टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, सात लड़के कंपटीशन में हिस्सा लेने गए। इसमें एडजेक्टिव है सेवन, काइंड नंबर। फिफ्थ, सी इज ए मिस्टीरियस गर्ल, वह रहस्यमयी लड़की है। मिस्टीरियस इसमें एडजेक्टिव है, इसका काइंड क्या है, क्वालिटी। ही इज ए रूड पर्सन, वह एक असभ्य व्यक्ति है। रूड इसमें एडजेक्टिव है, काइंड क्या है इसका, क्वालिटी। हु वॉज दैट मैन, वह आदमी कौन था। दैट इसमें एडजेक्टिव है और इसका काइंड है डेमोंस्ट्रेटिव। ही इज माई एम्प्लॉयर, वह मेरा कर्मचारी है। इसमें माई क्या है, एडजेक्टिव, और कौन सी काइंड है, पोसेसिव। वी नीड सम मनी अर्जेंटली, हमें तुरंत कुछ पैसों की आवश्यकता है। इसमें सम एडजेक्टिव है और कौन सी प्रकार का है, क्वांटिटी। ब्रिंग मी दैट थिप, उस चोर को मेरे पास लाओ। दैट इसमें एडजेक्टिव है और इसका काइंड है डेमोंस्ट्रेटिव। सी ड्रैंक ऑल द जूस, उसने सारा जूस पी लिया। ऑल इसमें एडजेक्टिव है, काइंड है इसका क्वांटिटी। अरिस हैज टू सिस्टर्स, अरिस की दो बहनें हैं। इसमें टू जो वर्ड आया है ये एडजेक्टिव है और काइंड है इसका नंबर। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में रीड करेंगे।